बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास एट बनाकर देखें सिक्स का आज हम लोग पूरा समाधान करेंगे। देखिए इस वीडियो में एक से लेकर के जो है 12 नंबर तक सवाल सबका समाधान करेंगे। पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि मन में सोचे और लिखे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मन में सोचे और लिखे, मन में सोचना है और लिखना है। देखिए पेज नंबर 70-71 ये जो है आज इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा समाधान करेंगे। देखिए दो न्यून कोण एक हो सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि दो न्यून कोण जो है वो एक हो सकते हैं कि नहीं। तो ये साधारण सी बात है कि दो जो है दो न्यून कोण है एक कोण हो सकता है। देखिए जैसे कि न्यून कोण कहते हैं किसको है जो 90 डिग्री से कम हो। तो ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग दो न्यून कोण को एक कोण बना सकते हैं। ये न्यून कोण हुआ तो ये देखिए एक ले लिए न्यून कोण, दो न्यून कोण। देखिए न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम, एक दो, तो ये एक तो हो ही सकते हैं। तो ये लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हाँ लिख देंगे, तो हाँ लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि दो नंबर है दो न्यून कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं कि नहीं। देखिए पहले हम अगला वीडियो में मैंने बताया था कि परस्पर संपूरक होने के लिए कम से कम 180 होना चाहिए संपूरक होने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि दो न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से अगर दो कोण एक समझ लीजिए 75 है और एक अगर 85 भी है तो वो क्या हो सकता है परस्पर पूरक नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे परस्पर पूरक नहीं हो सकते है। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, खाली लिख दीजिएगा तो हो जाएगा या नहीं में टिक लगा दीजिए। उसके बाद देखिए सी नंबर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये सी नंबर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर पूरक होंगे या नहीं, दो समकोण परस्पर पूरक हो सकता है या नहीं। ये देखिए क्या बोला है कि दो जो है ऐसे परस्पर पूरक हो सकते हैं कि नहीं। तीन नंबर में देखिए तो ये क्या है परस्पर पूरक नहीं हो सकते। तो तीसरा नंबर का खाली लिख दीजिएगा यहाँ पे नहीं, मैंने सवाल नहीं लिखा कि सवाल बड़ा था इसीलिए इसको नहीं लिखा। अब देखिए दो अधिक कोण क्या है, दो अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकता है या नहीं। देखिए दो अधिक कोण का तात्पर्य यहाँ पे होता है डी नंबर। देखिए जैसे कि दो अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकता है, अधिक कोण का मतलब कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए है ना, 90 डिग्री से अधिक होगा तभी वो क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे दो अधिक कोण जो है परस्पर पूरक नहीं हो सकता, संपूरक नहीं हो सकता है क्योंकि वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं में टिक लगा दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए जैसे कि है दो समकोण परस्पर संपूरक हो सकता है या नहीं। देखिए दो समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए तो परस्पर संपूरक हो सकता है कि नहीं। दो समकोण का बात है तो दो हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है क्योंकि दोनों अगर जाकर 90 90 180 हो जाएगा तो इसमें हो सकता है। तो हाँ लिख दीजिएगा हो सकता है, हाँ हाँ लिखने से भी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग हाँ लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, इसमें हाँ लिखिएगा तो हो जाएगा, हाँ ये हाँ लिख सकते हैं, हाँ हो सकता है। उसके बाद देखिए है एक न्यून कोण, एक न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम एवं एक अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकता है नहीं, परस्पर संपूरक हो सकते हैं नहीं। देखिए क्या बोला है एक न्यून कोण एवं एक अधिक कोण परस्पर संपूरक हो सकते हैं, परस्पर संपूरक हो सकता है कि नहीं। देखिए तो परस्पर संपूरक हो सकता है, ये परस्पर क्या बोला है परस्पर संपूरक हो सकता है कि नहीं। तो ये परस्पर संपूरक क्या है हो सकता है क्योंकि एक ये एक क्या ले लेंगे 90 डिग्री से कम और एक 90 डिग्री से ज्यादा ले लेंगे तो हो सकता है। यहां लिख दीजिएगा हो सकता सकता है, ये इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दो संलग्न कोण परस्पर पूरक हो सकता है या नहीं। देखिए दो संलग्न कोण है, दो जो है संलग्न कोण है, दो संलग्न कोण परस्पर पूरक हो सकता है कि नहीं, दो दो जो संलग्न कोण होता है पूरक हो सकता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा हो सकता है, तो यहां पे लिख दीजिएगा हो सकता है, हो सकता है। देखिए आखिरी नंबर है दो संलग्न कोण परस्पर संपूरक हो सकता है कि नहीं, दो संलग्न कोण है, दो संलग्न कोण का बात करें तो परस्पर संपूरक हो ही सकता है। तो हाँ यहां पे लिख सकते हैं हो सकता है, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, इसमें भी हो सकता है। उसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर का करेंगे जिसमें है कि निम्न निम्न संलग्न, या देखिएगा आप लोग पेज नंबर में यहीं पे है आप लोग का, यहाँ पे देखिए
निम्न संलग्न कोणों को बनाए उसमें से कौन संपूरक कोण का परस्पर पूरक या संपूरक कोण है, जांच करें। इसमें देखिए, इसमें इतना दिया गया है, कौन सा क्या है, पूरक कोण है, कौन संपूरक कोण है, इसे हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग के सामने ये जो है दिया गया है, ये दिया गया है 45 डिग्री 120 30 70 110 42 48 37 और कितना 43 85 95। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया गया होगा कौन, पेज नंबर देख लीजिए, 70 है 70 है, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें से बोला है कि परस्पर पूरक एवं संपूरक। देखिए, परस्पर पूरक मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग को आंसर दिया हुआ है यहाँ पे परस्पर पूरक और संपूरक का, तो यहाँ देख लीजिएगा पेज नंबर में आकर के, ये देखिए पेज नंबर 65, यहाँ पे 65 पे देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, दो ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसमें से एक को दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पूरक कोण। और संपूरक कोण का बात करें तो संपूरक कोण यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, ये देखिए यहाँ पेज नंबर ये है 66, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि ऐसे दो कोण जिसका योग 180 होने पर एक कोण को दूसरे कोण का संपूरक कोण कहते हैं, ये देख लीजिए ये कहते हैं, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों को बोला क्या गया है कि परस्पर पूरक और संपूरक कोण को ढूंढना है, तो हम लोग ढूंढेंगे कौन परस्पर पूरक है और कौन संपूरक है। तो सबसे पहले हम लोग पूरक कोण लिख लेते हैं और संपूरक कोण लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण। देख यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूं पूरक कोण, ये पूरक कोण, ये पूरक कोण, ये पूरक कोण, और देखिए और दूसरा लिख देते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण, ये कोण हो गया, देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण। अब देखिए इसमें से देखेंगे पूरक कोण कौन है, देखिए पूरक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 45 और 45, तो ये लिख देंगे 45 डिग्री जोड़ 45 डिग्री, ये क्या हो गया, अब पूरक कोण हो गया क्योंकि 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद देखिए कौन सा जोड़ा जोड़े जो कि क्या हो जाए, संपूरक कोण है। संपूरक कोण के लिए देखिए कहीं ना कहीं ये और ये जोड़ते हैं, तो 70 डिग्री और 110 डिग्री तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो गया संपूरक कोण। अब दूसरा जोड़ा देखते हैं, ये जोड़ा तो हम लोग को निकल गया और ये जोड़ा भी निकल गया, अब बचा क्या, एक दो। अब देखिए इसमें से जोड़ेंगे कि कौन सा क्या होता है, संपूरक होता है कौन और संपूरक नहीं होता है। तो दूसरा देखिए पूरक कोण के लिए कहीं ना कहीं ये दोनों जोड़ा परफेक्ट मिल रहा है, देखिए ये जोड़ा को अगर देखें 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री, ये दोनों डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा पूरक कोण, पूरक कोण। अब देखिए संपूरक कोण, अब देखेंगे दूसरा कि पूरक कोण होता है या संपूरक कोण होता है, देखिए जैसे कि 85 और 95, ये देखिए 85 और ये 95 को जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ देता है 85 डिग्री जोड़ 95 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, देख लीजिए 5 5 10 की 0, हाथ में 1 9 1 10 10 8 18, 180 डिग्री। अब देखिए ये कहीं ना कहीं कितना बना, टोटल बन गया 4 कोण 4 जोड़ा है, 1 2 1 2 3 4, और इसमें कितना दिया हुआ है, एक ये देखिए यहाँ पे, और बाकी नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि संपूरक कोण नहीं बन रहा है। उसके बाद वाला सवाल देखिए 3 नंबर, जैसे कि आप लोग में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, नीचे के कोणों को देखें कौन परस्पर पूरक कोण है। अब देखिए पूरक कोण का मैं पहले ही बताया था कि पूरक कोण कहने का तात्पर्य है कि वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो आप इसमें देखेंगे कि 90 डिग्री कौन कौन सा कोण हो रहा है, पहले लिख लेते हैं। देखिए 3 नंबर जो है दिया गया है ये वाला, देखिए यहाँ पूरक कोण रहने देते कौन कौन परस्पर पूरक है, तो यहाँ पे देखिए पहले दिया गया है आप लोग को कितना कितना डिग्री दिया हुआ है, 31 डिग्री, इसमें से हम लोग क्या करेंगे जोड़ जोड़ के लिखेंगे। जैसे कि वहाँ पे सवाल में देखिए आप लोग दिया हुआ है कि चौथा नंबर पूरक, नीचे के कोणों को परस्पर पूरक कोण, तो देखिए है पहले 31 31 डिग्री 47 डिग्री 47 डिग्री, और उसके बाद कितना है 64 64 डिग्री 29 डिग्री, और उसके बाद है 43 43 डिग्री, और उसके बाद है 59 डिग्री
और 17 और 26, ये कहीं ना कहीं सब क्या है, कोण का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसको सबको जोड़ के देखते हैं कि कौन कौन परस्पर पूरक है। तो पूरक कौन, अब देखिए पहले क्या बोला है कि कौन कौन पूरक कौन है। अब पूरक कौन देखिए, पहले हम लोग 47 और 43 को जोड़ देते हैं, तो पूरक कौन हो जाएगा 47 डिग्री जोड़ 43 डिग्री, कितना हो जाएगा 90, कहीं ना कहीं 7 × 10 की 0 9, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया 90 डिग्री। उसके बाद देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये और ये निकल गया, अब दो कौन सा जोड़े जो क्या हो जाए, कहीं ना कहीं हम लोग 90 डिग्री हो, 64 और ये देखिए 64 डिग्री प्लस 26 डिग्री, 4 × 10 8 × 1 9 90 डिग्री। अब देखिए पूरक कौन, अब दूसरा कौन सा होगा, ये भी चला गया। अब देखिए कहीं ना कहीं 31 और 59 जोड़िए, 31 डिग्री और 59 डिग्री, पहले 59 31, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 0 5 × 8 1 9 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये भी बच गया, अब बचा क्या, ये और ये जो कि पूरक कौन नहीं हो सकता, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इतना ही कितना बनेगा 1 2 3। अब और तो है नहीं, देख लीजिए तो 17 तो नहीं होगा, 1 2 3 तीन ही पूरा कौन बनेगा, बाकी नहीं बनेगा, तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में है, देखिए यहाँ पे 4 नंबर में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 नंबर नीचे के कोनों को देखें कौन कौन परस्पर संपूरक कोण। अब देखिए परस्पर संपूरक कोण, यहाँ पे पहले हम लोगों ने पूरक कोण कर लिया, अब देखिए संपूरक कोण में मैंने पहले ही बताया था कि वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संपूरक कोण बोलेंगे। तो इसमें देखिए संपूरक कोण बनाने से पहले देखिए इसमें लिखा जो है 47 डिग्री दिया हुआ है, और 58 डिग्री, 69 डिग्री, और ये आपका 75 डिग्री, और 133 डिग्री, उसके बाद 105 डिग्री, और उसके बाद 122 डिग्री, और यहाँ पे दिया हुआ है 125 डिग्री, ये डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए 4 नंबर में यहाँ पे बोला परस्पर संपूरक कोण, संपूरक कोण यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सा कहीं ना कहीं हम लोग का 180 डिग्री होता है, जो 180 डिग्री होगा वो क्या होगा, संपूरक कोण होगा, और जो नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो 147 डिग्री है, 47 और 133 ये दोनों को अगर जोड़े तो हम लोग का 180 हो जाएगा, 133 डिग्री प्लस 147 खाली 47 डिग्री, तो क्या हो गया 7 × 10 की 0 हाथ में 1 4 1 5 5 3 8 और 1, तो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए संपूरक कोण का कौन सा जोड़ा हो सकता है, अब देखिए कहीं ना कहीं 122 और 58 को जोड़ के देखते हैं, 122 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 8 × 2 10 हाथ में 1 5 5 1 6 6 2 8 और ये 1, तो ये भी हो गया। अब देखिए हालांकि अब जो जोड़ा है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का 180 डिग्री नहीं पहुंचेगा, देखिए अगर जाए इसको और इसको जोड़े तो फिर भी नहीं होगा, और ये देखे तो जोड़ते हैं तो देखिए हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, 105 तो देखिए 5 × 10 की 0 हाथ में 1 7 1 8 180 डिग्री, ये 3 संपूरक कोण हम लोग का हो गया परस्पर, देखिए परस्पर एक दूसरे का संपूरक कोण हो गया। उसके बाद देखिए 5वां नंबर में जैसे कि यहाँ पे आप लोग का ऐसे चित्र दिया हो गया है, ये देखिए ऐसे दिया गया कि संलग्न कोण किसे कहते हैं, लिखो और निम्न में से कौन सा संलग्न कोण है, मतलब पहले किसे कहते हैं ये लिखना है और उसके बाद हम लोग को देना है कि कौन कौन सा संलग्न कोण है। संलग्न कोण के बारे में देख लीजिए आप लोग, जो सबसे पहले है संलग्न कोण कहते किसे कैसे किसे है, ये पेज नंबर आप लोग आइएगा देखिए, संलग्न कोण यहाँ दिया हुआ था, हाँ यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कोण कोण
को जिसमें एक उभयनिष्ठ हो से उन्हें संलग्न कोण होता है। जो दो कोण हो एक उभयनिष्ठ हो, ये देखिए उभयनिष्ठ होता क्या है, उभयनिष्ठ के बारे में आप लोग पहले जान लीजिए। ये पहले मैं ये क्लीन कर देता हूँ, देखिए उसके बाद उभयनिष्ठ होता क्या वो पहले देख लीजिए। अब बोला है क्या यहाँ पे कि दो कोण जिसमें से एक उभयनिष्ठ हो उन्हें संलग्न कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ दो कोण और एक क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसका देखिए चित्र आप लोग को इस प्रकार होगा, कहीं ना कहीं क्या लिखेंगे, जब दो कोण में से एक क्या हो दूसरे का उभयनिष्ठ हो तो दोनों कोण को संलग्न कोण कहते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा, लिखने के बाद देखिए क्या लिखेगा कि ऐसे अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा, यह जैसे कि है कोण देख लीजिए, ये बीच में जो ये लकीर है ये कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ है, ये क्या उभयनिष्ठ, ये देख लीजिए ये और ये बी हो गया ये ए हो गया, तो इसमें ये लकीर जो हो गया ये उभयनिष्ठ हो गया। अब चित्र में देखिए आप लोग चित्र में जैसे कि दिया गया, यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे चार चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार चित्र ये दिया है। चार चित्र में कौन कौन सा जो है प्रथम उभयनिष्ठ है, यही ना। तो प्रथम ये जो प्रथम वाला है, ये पहला वाला, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पहला वाला और क्या है ये तीसरा वाला, एक दूसरे का कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ए नंबर और तीन नंबर। तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, प्रथम चित्र प्रथम एवं तृतीय, और परिभाषा तो मैंने बता ही दिया, परिभाषा आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 67 में देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, वो उसे पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग दूसरा चीज में देखेंगे कि जैसे कि है यहां पे देखिए, स्वयं चांद की सहायता से संलग्न कोण को बनाइए और उनका योग लिखिए, और स्वयं करो आप क्या करना है, इसको आपको चांद की सहायता से बनाना है, चांद की सहायता से बनाइएगा और लिखिएगा कि कैसे है। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जोड़ा दिया हुआ है, ये देखिए ये जोड़ा दिया हुआ है ना, ये देखिए एक 35 डिग्री 45 डिग्री, ये 18 डिग्री 42 डिग्री और 32 डिग्री 90 डिग्री और ये 73 डिग्री और 63 डिग्री, तो इसको बनाएंगे हम लोग। आप लोगों के पास चांद जरूर होगा तो चांद को ले लीजिएगा आप लोग। चांद को लेने के बाद क्या कीजिएगा, जैसे देखिए दिया गया है तो सर्वप्रथम आप लोग क्या कीजिएगा, एक लकीर खींच लीजिएगा, जैसे कि मैं खींच ले रहा हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, जैसे ए और बी कर दीजिएगा, इसे एक नंबर का देख, ए और बी ये लकीर खींच दीजिएगा, ए और बी करके कोई भी नाम ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि पहले दिया हुआ है 35 डिग्री, तो यहाँ से चांद इस प्रकार देखिएगा आप लोग, ये चांद 35 डिग्री, देखिए अगर हम लोग इधर से रेखा लिए हैं तो यहाँ से देखेंगे 35 डिग्री जा कहाँ रहा है, ये बीच में ले सकते हैं हम लोग, साइड में भी ले सकते हैं। यहाँ पे लेंगे तो देखिए ये जो है ये पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 35 डिग्री है तो अब देखिए यहाँ पे 30 है ना, ये 30 के बाद एक यहाँ पे है उसको 35 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 35 डिग्री कहाँ पे जा रहा है, ऐसे 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 ले लीजिएगा, ऐसे ये 35 डिग्री हो गया, यहाँ पे 35 डिग्री और कितना बोला है फिर इस पर से 45 डिग्री, पहले ये 35 डिग्री का कोण आप लोग बना लीजिए, स्केल के सहायता से इसको मिला दीजिएगा 35 डिग्री। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से 45 डिग्री ले लीजिए आप लोग, स्केल से लीजिएगा तो यहाँ से 40 5 45, ये 45, ये देखिए यहाँ पे 40 होता है ना, ये 40 ये देखिए ये 40 है, 40 के बाद 45, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ऐसे करके बना दीजिएगा तो ये बन जाएगा, आप लोग लकीर से स्केल से बनाइएगा तो सीधा हो जाएगा, इसे ये हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये देखिए ये 35 डिग्री का हो गया और डिग्री और ये 45 डिग्री का, तो ये पहला वाला हम लोग का बन गया। दूसरा क्या है, 18 डिग्री और 42 डिग्री दिया है ना ये, तो पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे और यहाँ पे ए और बी ये कोई भी माप दे सकते हैं आप लोग, पहले 42 डिग्री का कोण बनाइएगा, तो यहाँ से ऐसे लेंगे, ऐसे यहाँ देखिए 42 2 42, तो यहाँ 42 डिग्री का हो जाएगा, ऐसे करके आप लोग वहाँ पे चांद की सहायता से मिला लीजिएगा 42 डिग्री, यहाँ 42 डिग्री लिख दीजिएगा। 42 डिग्री लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से 42 पे ले करके 18 डिग्री, अब देखिए यहाँ से ऐसे लीजिएगा तो ये देखिए 18 यहाँ आएगा लगभग, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे ये 10 है ना, 10 के ये 10 है, 10 के बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 18 डिग्री होगा, तो ये 18 डिग्री ऐसे खींच दीजिएगा तो 18 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री। अब उसके बाद देखिए क्या है, 32 डिग्री और 90 डिग्री, पहले 32 डिग्री बनाना है, ऐसे 32 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग लकीर खींच देंगे सेम, और इस पर इसमें पहले क्या करें 32 डिग्री का बना लेंगे, तो यहाँ से ऐसे लीजिएगा ए और ये बी लिख दीजिएगा, बी लिखने के बाद यहाँ पे 32 डिग्री, तो 30 2 32 के बाद जो दो देखिए यहाँ पे चांद में क्या होगा,
30 दिया होगा, 30 के बाद 2 32 है, तो 32 इसे बना लीजिएगा। और ये 32 डिग्री बनाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 32 डिग्री जब बना लिए उस 32 डिग्री से 90 डिग्री ले लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे कीजिएगा, इसे ऐसे 32 से ये 90 यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पे 90, तो ये हालांकि ऐसे कुछ बनेगा, तो ये बनेगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि दिया हुआ है 73 डिग्री और 63 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये 73 डिग्री और 63 डिग्री, तो पहले कितना का बनाएंगे 73 डिग्री का, तो पहला की वही सेम कीजिएगा, ऐसे खींच दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पहले कितना कीजिए 73 डिग्री का कीजिए, 73 70 70 तीन 73, यहाँ 73 डिग्री हो जाएगा, तो इसे पहले 73 डिग्री का ये बना लीजिएगा, ये 73 डिग्री का बना लीजिएगा। 73 डिग्री बनाने के बाद यहाँ से 63, तो यहाँ से फिर नापेंगे माप लेंगे, तो यहाँ 63 कुछ इस प्रकार यहाँ आएगा, तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे आप लोग 63 डिग्री बना सकते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है अब 7 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, पहले दिया गया है, देखिए ये लिखा हुआ है सयांत ने एक सरल रेखा से ए बी बनाई। पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे, ये पहले क्लीन कर लेते हैं, ये देखिए देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग करेंगे कैसे कि पहले क्या बोला एक सरल रेखा खींचा है, क्या खींचा एक सरल रेखा, यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हैं, ये देखिए क्या बोला सयांतनी एक सरल रेखा ए बी बनाई, तो ए बी हम लोग बना लेते हैं, तो क्या करते हैं ए बी ऐसे खींच लेते हैं, चलिए ए बी खींच लिए, ये ए बी खींच दिए, कितना इसका मान तो दिया नहीं है, तो इसलिए ए बी खींच दिए। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि हम उस सरल रेखा, देख लीजिएगा आप लोग लिखा हुआ है, हम उस सरल रेखा रेखा पर किसी पी बिंदु से दूसरी एक किरण पी क्यू करेंगे। तो अब देखिए वहां से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिए यहाँ पे क्यू बिंदु दे दिए, ये दे दिए क्यू बिंदु, और उस पर क्या करेंगे पी बिंदु बनाया, जिसका फलस्वरूप दो संलग्न कोण हुआ। अब ये देखिए सरल कोण है, ये इस पर कुछ भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच के आप देखिए क्या बोला है, यहाँ पे कुछ भी मान लिख सकते हैं, जैसे कि क्यू लिखिए तो यहाँ पी भी लिख सकते, पी लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दिया हुआ है जैसे कि पी क्यू बनाइए दो संलग्न कोण हुआ। अब देखिए दो संलग्न कोण कौन सा हुआ भाई, ये देखिए दो संलग्न कोण हुआ, यहाँ पे जैसे दिया हुआ, देखिए दो संलग्न कोण, देखिए दिया हुआ ना पी क्यू बी, तो मतलब पी क्यू बी और क्या है पी क्यू ए, तो ये दोनों हो गया दो है। चांद की सहायता से पी क्यू बी एवं पी क्यू ए का मान लिखो, आज मतलब ये दोनों का मान लिख करके उसके बाद आप लोग को योगफल कर देना, तो यहाँ से हम लोग मान ये कर लेते हैं, ये लगभग 60 डिग्री होता है, कितना होता है ये करवा लगभग मेरा देखिए बना है 40 डिग्री, तो ये हम लोग लिख देंगे 40 डिग्री, आप लोग जितना होगा उसके अनुसार लिख दीजिएगा, ये 40 डिग्री अब 180 होता है, 180 में 40 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री और 40 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसका योगफल उसका बाद क्या परिणाम का योग कर दीजिए, तो अब परिणाम का क्या कीजिएगा आप लोग योग कर दीजिएगा, तो ये योग करने का मतलब क्या हो गया जोड़ दीजिए, अब कौन कौन सा जोड़ देंगे हम पी क्यू बी प्लस पी क्यू ए, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 40 प्लस 140 कहीं ना कहीं 180 हो जाएगा 180 डिग्री, तो इतना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नौ नंबर जैसे कि दिया गया आप लोग को यहाँ पे दिया है सवाल, देखिए ऐसे दिया हुआ है कि ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए ओ बी, मतलब ए बी रेखा खींचा हुआ है उस पर क्या किया है ओ बिंदु है, यहाँ पे सी और ये डी, यहाँ पे कितना है 3x 80 प्लस एक्स, मतलब कि ये तीन कोण दिया हुआ है, तो देखिए अब बोला है एक्स का मान निकालिए, तो ये यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है एक्स का मान निकालना है, क्या करना है एक्स का मान, तो एक्स का मान देखिए बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं लगेगा, तो बहुत जल्दी हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए करेंगे कैसे इसको, अब देखिए यहाँ पे पहले इसको मिटा देते हैं, ये देखिए अब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग बहुत ही इजी तरीका से, अब देखिए एक जो सरल रेखा होता है ऐसे सरल रेखा है, इसका मान कहीं ना कहीं ये सरल रेखा जो है इसी पर है ना, इस पर देखिए दिया हुआ है कि जैसे ऐसे दिया हुआ है 3x ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये a दिया हुआ है और यहाँ पे b लिखा हुआ है और ये o लिखा हुआ है और ये देखिए ये d बिंदु दे दिया है इसको d बिंदु मान दे सकते हैं और ये c बिंदु दिया हुआ है मान, ये कितना दिया हुआ है c बिंदु, अब देखिए यहाँ पे x और ये कहीं ना कहीं 80 डिग्री
है ना 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है तीनों का यानी कि तीनों का मान कहीं ना कहीं 180 होगा। प्रश्नानुसार हम लोग लिख देंगे, प्रश्नानुसार देखिए अब क्या क्या कौन 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 से कौन जोड़ देंगे, पहले कौन बनाइए कौन देखिए क्या क्या है, ए ओ ए ओ डी डी प्लस, अब क्या है देखिए डी ओ सी प्लस सी ओ बी, तो सी ओ बी। अब देखिए ये जो इसका है बराबर कितना हो जाएगा 180। ये सरल रेखा का मान जो होता है 180 होता था, हम लोग 180 लिख दिए। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, सबसे पहले यहां पे देखिए इसका मान दिया हुआ है 3x प्लस 80 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, इतना इतना तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये तीनों दिया हुआ है, इसे ये तीनों को दिया देखिए, ये तीनों दिया हुआ है ना, ये तीनों दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 80 को इस तरफ लाएंगे। ये देखिए जैसे ही ये वाला 80 उस तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ये और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स, तो 4x 4x बराबर 180 और ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा 80। अब देखिए घटा देंगे इसमें तो 4x बराबर ये देखिए 100 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे 100 डिग्री बटे 4, दो के बराबर से काट दीजिए दो बार में और ये 50 बार में, अब फिर दो से काटिए 25 बार में, कहीं ना कहीं मान कितना हो गया 25 डिग्री, तो x का मान कितना लिख दीजिएगा 25 डिग्री, x का मान कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 25 डिग्री, कहीं ना कहीं कितना आएगा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री आप लोग लिख दीजिएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 25 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है 10 नंबर कि ए ओ बी पी पास के चित्र में ए ओ पी बी ओ पी से 140 डिग्री अधिक है, ए ओ पी और बी ओ पी का मान करो। अब देखिए इसमें किया क्या गया है, यहाँ बात ध्यान रखिएगा कि मानेंगे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पहले पहले ये देखिए देख लीजिए ये देखने के बाद देखिए यहाँ पे अब जो है 10 नंबर कितना नंबर है 10 नंबर, 10 नंबर में बोला क्या गया है, सवाल को हम लोग पहले समझेंगे। देखिए पहले दिया हुआ है ये 10 नंबर, 10 नंबर हो गया 10 नंबर, 10 नंबर में दिया है क्या दिया हुआ है देखिए भाई ऐसे दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर पी दे दिया बिंदु ठीक है। अब क्या बोला है, पास के चित्र में ए ओ पी, पहले हम लोग लिख लेते हैं ए ओ पी बी ओ पी से 140 डिग्री दी, ए ओ पी क्या है बी ओ पी से है, मतलब मानेंगे माना 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 क्या माना ए ओ पी बी ओ पी से क्या मतलब है, मतलब बी ओ पी बी ओ पी बराबर x डिग्री मान लिया, तब अब ए ओ पी कितना हो जाएगा 140 डिग्री ज्यादा, तो यहां पे निकालेंगे ए ओ पी बराबर x प्लस 140 डिग्री, ये ए ये हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि ए ओ पी अब तीनों का मान और कितना मान है 40 डिग्री 140 से अधिक, 140 से अधिक है, मतलब कि ये बी ओ पी प्लस ए ओ पी ये हो गया बराबर 180 डिग्री। अब दोनों का मान लिख देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का, देखिए मान निकालेंगे मान लिखेंगे कैसे, इसका मान है x प्लस 140 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x और ये इधर चला जाएगा, तो आप लोग पता है 180 है ये प्लस में उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाता है तो वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस में होता है, हालांकि यहाँ पे क्या है प्लस में है तो वहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 140 डिग्री ये 140 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 0 और ये देखिए 4 और ये कट जाएगा, तो अब x बराबर 40 डिग्री बटा 2 काट दीजिए 20 डिग्री आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 20 डिग्री। अब देखिए और हालांकि कुछ पूछा है, देखिए पूछा है बी ओ पी का मान, तो बी ओ पी का मान तो हम लोग निकल गया, बी यहां लिख सकते हैं बी ओ पी बराबर कितना 20 डिग्री, तो ए ओ पी का मान कितना होगा, तो ए ओ पी को 20 में जोड़ देंगे, तो देख लीजिए ए ओ पी बराबर 20 प्लस 140 तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 0 4 2 6
और एक। अब देखिए दोनों का जोड़िए तो 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 180 लिए थे तो 180 हो गया, तो हम लोग का सही है। अब देखिए क्या बोला है 11 नंबर में, ऐसे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि दो संलग्न कोण का मान 35 डिग्री और 145 डिग्री संलग्न कोण के बाहर स्थित भुजा दोनों किस तरह अवस्थित है, अवस्थित है लिखो, किस तरह अवस्थित है इसको लिखना है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बाहरी भुजा, क्या बोला बाहरी भुजा, तो पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लीजिए, ये देख लिए। अब देखिए देखने के बाद यहाँ पे सवाल में बोला क्या गया है, ये ध्यान रखिए गया 11 नंबर में कि बोला है दो कोण, कौन कौन सा दिया है, दो संलग्न कोण का योगफल। अब दो संलग्न कोण, अब दोनों का योगफल निकाल देंगे, दो योग फल, ये एक फल कितना हो जाएगा भाई 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री, दोनों में जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के जोड़ने के बाद संलग्न कोण की बाहरी दो भुजा एक ही सरल रेखा पर स्थित होगी। अब ये क्या होगा लिख दीजिएगा कि दोनों क्या होगा एक ही सरल रेखा पर स्थित होगी। अब दोनों ये लिख दीजिएगा दोनों एक ही सरल रेखा पर स्थित होगी, स्थित होगी, होगी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अब अगर जाकर हम लोग करें 12 नंबर की बात, ये देखिए 12 नंबर, ये कौन इस प्रकार आप दिया है, तो पास किए चित्र में ए ओ और ओ किस रूप में स्थित है लिखो। अब ए ओ और किस क्या है, ए ओ और ओ किस रूप में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबका मान लिख देते हैं, मान लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए अब 12 नंबर, 11 नंबर ये था, तो अब 12 नंबर, अब 12 नंबर को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। 12 नंबर में आप लोगों को चित्र दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये देख लीजिए ऐसे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे ओ बिंदु दिया हुआ है, पहले जो है डी रेखा खींचा किया हुआ है, ए यहाँ पे बी लिख दीजिएगा, ओ सॉरी यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, और उसके बाद ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ओ, और ये डी बिंदु, ये डी, डी का कितना मान दिया हुआ है 24, और उसके बाद कितना है 81, ये सी का सी दिया हुआ है यहाँ पे 81, उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए 55 डिग्री, ये 55 डिग्री, और ये कितना है बी, और ये आपको दिया हुआ है 20 डिग्री। ये सबका मान एक बार योगफल कर लेते, क्या कर लेते हैं योग कर लेते हैं, तो पहले क्या होगा देखिए ए ओ बी, मतलब ए ओ बी कितना है, ए ओ बी प्लस, अब देखिए क्या होगा इसमें बी ओ सी, बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई, ये देखिए ये तीनों हो गया, तीनों का मान ये एक दो तीन चार, चारों का जोड़ देंगे 20 चोर 55 डिग्री प्लस 81 डिग्री प्लस 24 डिग्री, ये देखिए सबको उनको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या होगा देखिए जोड़िएगा तो क्या होगा 180, चार चार एक पाँच, पाँच पाँच दस, दस की जीरो हाथ मनाल एक, तीन तीन आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह पाँच, ग्यारह पाँच सोलह, सोलह दो अठारह, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो अब क्या लिखेंगे ओ ओ ए और ओ सी एक ही सरल रेखा में स्थित है, क्या लिखेंगे ओ ए एवं ओ एवं ओ ई, ओ ई एक ही सरल रेखा में स्थित है। देखिए इतना आप लोग लिख देते हैं तो हो जाएगा, और इस प्रकार हम लोग का क्या हुआ ये पार्ट 6 का पूरा समाधान हो गया। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट दूसरे का समाधान करेंगे, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।